हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर देख रहे हैं तो आज के सेशन में भी वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप किस प्रकार से उसका उत्तर लिखेंगे, ये हम यहाँ पर सीखेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की। तो बच्चों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे थे, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस हमने देख लिए थे। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड आपका कैसा बनता है यानी रासायनिक बंध। तो हमने कहा था हर एक एटम को अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है, और वो ऑक्टेट को पूरा करने के लिए क्या करता है, कंबाइन होता है। किसके साथ? अलग अलग एटम्स के साथ। वो सेम एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं या डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं, और कंबाइन होकर के ऑक्टेट को प्राप्त करता है, स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाता है। ये दो तरह से होता है, या तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा या फिर लॉस और गेन, आप लॉस और गेन जिसे बोलते हो, या फिर क्या होगा, शेयरिंग होगी, इसके द्वारा केमिकल बॉन्ड बनते हैं। लेविस स्ट्रक्चर देखे थे हमने कुछ यहाँ पर एटम्स के लिए, जैसे मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, बोरॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, ठीक है। इसके अलावा कुछ और आयन्स हमारे पास थे और एटम्स थे जिनके लिए हमने लेविस सिंबल देखा था, सल्फर, सल्फर एस टू निगेटिव, एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव, एच एच निगेटिव, ओके। इसके अलावा H2S, SiCl4, BeF2, CO32 निगेटिव, HCOOH के लिए हमने लेविस सिंबल, लेविस स्ट्रक्चर बनाए थे, ओके। इस प्रकार से ऑक्टेट रूल को डिफाइन करना था कि ऑक्टेट रूल क्या होता है, राइट इट्स सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस, ठीक है, इसका महत्व क्या है और आपका इसमें कमियां क्या हैं या सीमाएं क्या है। तो ऑक्टेट रूल क्या होता है, जब एटम्स या जो जितने भी एटम्स हैं यानी एलिमेंट्स के एटम्स, अलग अलग एलिमेंट्स के हो सकते हैं, सेम एलिमेंट्स के हो सकते हैं, आपस में कंबाइन होकर के अपना ऑक्टेट प्राप्त करते हैं और स्टेबल गैस कन्फिग्रेशन प्राप्त करते हैं, इसी को ऑक्टेट रूल कहा जाता है। वो अपने निकटवर्ती, कोई भी जो परमाणु होगा वो अपने निकटवर्ती नोबल गैस के समान कन्फिग्रेशन प्राप्त करने का प्रयास करता है या प्राप्त करता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसी की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं ये आप बताते हैं। लिमिटेशंस है कि कहीं कहीं पर जो हम नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट की बात कर रहे हैं उसकी जगह न होकर के अलग अलग कंपाउंड आपको बनते हुए दिखते हैं, जैसे HCF2 हो गया, HCF4 होगा, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल की वैलिडिटी पे क्वेश्चन आ जाता है, एंड दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल का शेप होगा इसके बारे में ये नहीं बताता है। फेवरेबल फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, तो फेवरेबल फैक्टर्स क्या क्या होंगे, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी मेटल्स की होनी चाहिए, नॉन मेटल का हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होना चाहिए, वहीं पर हाई लैटिस enthalpy of compound formed, okay? Discuss the shape of the following molecule using the VSEPR model. तो उसके अकॉर्डिंग शेप्स की बात की थी, BeCl2 में लीनियर शेप होगा, Ab2 टाइप का है, BeCl3 ट्राइंगुलर प्लेनर होगा, SiCl4 टेट्राहेड्रल है, AsF2 ट्राइगोनल बायपिरामिडल, H2S बेंट और वी शेप, PS3 ट्राइगोनल होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, ऑल्दो ज्योमेट्री ऑफ NH3 एंड H2 मॉलिक्यूल आर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लेस देन दैट ऑफ अमोनिया, डिस्कस। कहा जा रहा है कि वहां पर ज्योमेट्री दोनों की सेम है, H2 और NH3 की, लेकिन H2O का जो बॉन्ड एंगल है वाटर का वो लेस देन है, कम है एज कम्पेयर टू अमोनिया। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन में लोन पेयर ज्यादा है, इस वजह से वहां पर रिपल्सन ज्यादा हो रहा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर की, जिस वजह से क्या हो रहा है, वहां पर एंगल छोटा हो रहा है, ओके। इसके अलावा हाउ डू यू एक्सप्रेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन टर्म ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड ऑर्डर क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसी वैसी बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। इसके अलावा बॉन्ड लेंथ क्या है, तो जो भी दो एटम आपस में जुड़ रहे हैं उनके जो न्यूक्लियाई हैं और न्यूक्लियाई के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ये बॉन्ड ऑर्डर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो ना होकर के कैसा होता है, इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं या इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप बोलते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यानी व्युत्क्रमानुपाति, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड की लेंथ क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रेजोनेंस विद रेफरेंस टू द CO3 2 निगेटिव, ठीक है। तो इस प्रकार से CO3 निगेटिव में रेजोनेंस आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है, कार्बन जो कि सेंट्रल एटम है आपका, तीन ऑक्सीजन एटम से घिरा हुआ है, वहां पर एक ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड फॉर्म करता है,
इस ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर आपके ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, निगेटिव चार्ज आ रहा है। निगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉनों को स्लाइटली वो पुश कर रहा है ऑक्सीजन की तरफ को। ओके, देन सेकेंड स्टेप में आपको क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन इस वाले ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आ गया है तो इस प्रकार से, और इस पर आ गया है और डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया है, ठीक है। देन यहाँ डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, फिर इन दो पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको क्या देखने को मिलता है, रेजोनेंस देखने को मिल रहा है। रेजोनेंस इन CO32 नेगेटिव फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रिप्रेजेंट द थ्री कैनोनिकल फॉर्म्स इन दीज स्ट्रक्चर, द पोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई आर सेम, न्यूक्लियाई की पोजिशन सेम है, कार्बन आपका सेम जगह पर है। ऑल थ्री फॉर्म्स हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, तीनों ही फॉर्म्स में समान ऊर्जा होगी। सेम नंबर ऑफ पेयर एंड इम्पेयर इलेक्ट्रॉन्स, दे डिफर ओनली इन देयर पोजिशन। ओके, सभी जगह इलेक्ट्रॉनों की पेयर और इम्पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, वहीं पर डिफरेंस आ रहा है उनकी पोजिशन पे, क्योंकि सारे हैं ऑक्सीजन के ही एटम है, तो इस वजह से आपको यहाँ पर रेजोनेंस देखने को मिल रहा है। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H3PO3 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रक्चर 1 एंड 2 शोन बिलो, कैन दीज टू स्ट्रक्चर बी टेकन एज द कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड रिप्रेजेंटिंग H3PO3, इफ नॉट गिव रीजन फॉर द सेम। ओके, जिस प्रकार आपने CO3 के यहाँ पर CO3 2 निगेटिव के तीन फॉर्म देखे, आपने कहा यह कैनोनिकल फॉर्म्स हैं और इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस यहाँ पर दिखा रहे हैं, क्या H3PO3 के लिए जो दो ये स्ट्रक्चर दिए गए हैं ये कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, और अगर हैं तो आपको उसका रीजन देना है, अगर नहीं है तो रीजन, अगर है तो सही है, अगर नहीं है तो रीजन देना है क्यों नहीं है ये दोनों, ठीक है। नो दीज कैनॉट बी टेक एज कैनोनिकल फॉर्म्स बिकॉज द पोजिशन ऑफ एटम्स हैव बीन चेंज, ठीक है। पोजिशन ऑफ एटम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, पी से आपका तीन ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है डायरेक्टली इस प्रकार से, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, वो हाइड्रोजन यहाँ ओ के साथ जुड़ रहा है और पी से आपके तीन ही एटम जुड़े हुए हैं जो कि ऑक्सीजन के हैं। कार्ब जब आप CO3 का देख रहे थे पीछे, तो पहले वाले क्वेश्चन में, तो आपने क्या देखा था, कैनोनिकल फॉर्म्स आपने उनको कहा था, और इस प्रकार से कार्बन के साथ तीनों ऑक्सीजन एटम की पोजीशन सेम थी, ऐसा नहीं हुआ कहीं पर कि कार्बन से दो ही ऑक्सीजन जुड़े हुए, कार्बन से तीन ऑक्सीजन जुड़े हुए थे तीनों केस में, इसलिए ये कैसी है, कैनोनिकल फॉर्म्स है। जबकि यहाँ पर फॉस्फोरस के साथ एक बार तीन ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक बार सिर्फ तीन ही ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, इसलिए ये कैनोनिकल फॉर्म्स नहीं होंगी। ओके, यही इसका रीजन। चलिए जल्दी से नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर SO3 NO2 एंड NO3, ठीक है। तो SO3 के लिए आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो गया, सल्फर से आपके तीन ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं इस प्रकार से, डबल बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट हो गया, फिर आपका डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से तो ये तीन स्ट्रक्चर आ गए। NO2 के देखिए डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस प्रकार से, तो ये दो स्ट्रक्चर आ गए। NO3 के आप देखेंगे डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ स्ट्रक्चर यहाँ शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर, देन यहाँ से यहाँ। ओके, और NO3 निगेटिव है तो पूरे आपके NO3 पर क्या आया है, निगेटिव चार्ज आया है। इस प्रकार से कोई भी आपको मॉलिक्यूल मिलता है तो आप उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसमें रेजोनेंस आपको देखने को मिल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यूज लेविस सिंबल टू शोन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन द फॉलोइंग एटम्स टू फॉर्म केटायंस एंड एनायंस, KNS, CaNO,
AlNn, ठीक है। तो क्या क्या कहा गया है, पोटेशियम और सल्फर के बीच में, कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में, एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन के बीच में, क्या बताना है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ पर कहा गया है, यूज लेविस सिंबल टू शो। आपको लेविस सिंबल का यूज करना है, उपयोग करना है किस लिए? इलेक्ट्रो शोर्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन दीज एटम्स, ठीक है। इन परमाणुओं के मध्य में इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हो रहा है उसको दिखाने के लिए लेविस सिंबल का उपयोग करना है, एंड टू फॉर्म कैटायन एंड एनायन, और जिससे ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, कैटायन और एनायन फॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार पोटेशियम और सल्फर के बीच में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है। पोटेशियम के दो एटम एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं सल्फर को, तो दोनों पर, पोटेशियम के दोनों एटम पर क्या आ जाएगा, एक एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और सल्फर क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उस पर क्या आ जाएगा, टू निगेटिव आएगा, और क्या बनाएंगे ये, K2S बनाएंगे। ओके चलिए, दूसरा क्या है, CA और O के बीच में, कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में, कैल्शियम क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर टू पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके बाह्यतम कोश में दो इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। अभी ये दो ऑक्सीजन को दे देगा यहाँ, तो ऑक्सीजन पे कितने हो जाएंगे, आठ हो जाएंगे, बाह्यतम कोश में यहाँ पर छह है तो आठ हो जाएंगे। तो कैल्शियम पर टू पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, ऑक्सीजन पर आपका टू निगेटिव आ जाएगा, क्यों, क्योंकि उसने दो इलेक्ट्रॉन लिए, ठीक है। तो CaO बनता है इनका। एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन की बात करेंगे, एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोश में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये इन तीनों को दान करता है। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में पांच इलेक्ट्रॉन है, इसको भी तीन इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो ये तीन इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम से लेगा। तो एल्यूमिनियम ने चूंकि तीन इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो उस पर Al3 पॉजिटिव आ गया, और नाइट्रोजन ने तीन इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो उस पर क्या आ गया, तीन निगेटिव आ गया। ओके, इस प्रकार से आपका लेविस सिंबल बन गया है इन सभी के बीच में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर दिखाने के लिए। ओके क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, ऑल दो बोथ CO2 एंड H2O आर ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O आपका ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल है, यानी कि त्रिपरमाणु अणु है। द शेप ऑफ H2O मॉलिक्यूल, H2O का शेप मॉलिक्यूल कैसा है, बेंट शेप है, वाइल दैट ऑफ CO2, CO2 के लिए कैसा है बच्चे, लीनियर शेप है, रैखिक। एक्सप्लेन दिस ऑन द बेसिस ऑफ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट के आधार पर बताना है कि जो आपका H2O का मॉलिक्यूल है वो बेंट है और CO2 का है वो लीनियर है, इसको एक्सप्लेन करना है, इसकी व्याख्या करनी है। CO2 की बात करेंगे तो कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन क्या कर रहा है, दो डबल बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, दो ऑक्सीजन एटम के साथ, किस प्रकार से लीनियर बोला है यानी रैखिक रूप में, इस प्रकार से, ठीक है। ईच CO बॉन्ड इज अ पोलर बॉन्ड, ठीक है, दोनों ही जो आपके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बनने वाले बंध है वो कैसे हैं, पोलर बॉन्ड्स हैं। द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इज जीरो, इस वजह से नेट जो डाइपोल मोमेंट है वो CO2 के ऊपर कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ CO2 इज अ लीनियर मॉलिक्यूल, ये कब हो रहा है, जब CO2 आपका लीनियर मॉलिक्यूल बनाएगा तभी आपका नेट डायपोल मोमेंट क्या कह रहे हैं, जीरो आएगा CO2 के ऊपर। ओके, द बॉन्ड डायपोल्स ऑफ टू सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड कैंसिल द मोमेंट ऑफ ईच अदर, क्या हो रहा है यहाँ पर, दोनों जो डबल बॉन्ड है वो एक दूसरे के जो डायपोल्स है, बॉन्ड डायपोल है, उसको कैंसिल कर रहे हैं, और ये तभी हो रहा है जब दोनों रैखिक होंगे तभी वो कैंसिल करेंगे और तभी CO2 के ऊपर क्या आएगा, डायपोल मोमेंट जीरो आएगा। ओके, वेयर एज H2O मॉलिक्यूल हैज अ नेट डायपोल मोमेंट 1.84 d, जबकि H2O के ऊपर, H2O कैसा है, इस प्रकार से है बेंड शेप में, H2O के ऊपर नेट डायपोल मोमेंट 1.84 d है। H2O molecule has a bent structure because here the OH bond are oriented at an angle of 104.5, 104 degree or 5 minute आप कहते हैं,
एंड डू नॉट कैंसिल द बॉन्ड मोमेंट ऑफ ईच अदर. ठीक है, चूंकि यहाँ पर डायपोल मोमेंट नेट जो है वो 1.84d है, तो अगर आपका स्ट्रेट यानी कि दोनों बॉन्ड एंगल कैसे लीनियर हो जाएंगे, अगर पूरा मॉलिक्यूल लीनियर हो जाएगा तो वो फिर से नेट जीरो हो जाएगा, जिस प्रकार आपने कार्बन डाइऑक्साइड में देखा. लेकिन यहाँ पर चूंकि नेट डायपोल 1.84 है, तो ये 1.84 तभी आएगा जब वो बेंड शेप में होगा. दूसरा, OH बॉन्ड एंगल का ओरिएंटेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि O और H के बीच में जो बॉन्ड एंगल बन रहा है इस प्रकार से, ये कितना होता है 104 डिग्री 5 मिनट का. ओके, इस प्रकार से. एंड डू नॉट कैंसिल, और वो कैंसिल नहीं करता है एक दूसरे का बॉन्ड बॉन्ड मोमेंट. ओके, तो इस प्रकार से आप इसको एक्सप्लेन कर लेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 16. राइट द सिग्निफिकेंस एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट का सिग्निफिकेंस बताना है. इन प्रेडिक्टिंग द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल का नेचर कैसा है वो प्रिडिक्ट करने में ये इसका सिग्निफिकेंस है, या एप्लीकेशन है, यानी कि अनुप्रयोग जिन्हें आप कहते हैं. मॉलिक्यूल्स विद स्पेसिफिक डायपोल मोमेंट आर पोलर इन नेचर एंड दोज ऑफ जीरो डायपोल मोमेंट्स आर नॉन पोलर इन नेचर. ठीक है, क्या कहा जा रहा है, जिनका स्पेसिफिक डायपोल मोमेंट कुछ होता है वो कैसे होते हैं, पोलार होते हैं नेचर में. ठीक है, जबकि जहां पर जीरो होता है डायपोल मोमेंट्स वो कैसे होते हैं, नॉन पोलार होते हैं नेचर. ओके, सेकेंड है, इन द डिटर्मिनेशन ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का शेप कैसा है उसको डिटरमाइन करने के लिए भी आपका डायपोल मोमेंट चाहिए, या उसका उसका उपयोग होता है. इन कैलकुलेटिंग द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर क्या है ये भी पता करने के लिए डायपोल मोमेंट उपयोग में आएगा. ओके, तो ये इसके क्या हो गए, एप्लीकेशंस हो गए. चलिए जल्दी से नोट करेंगे. तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16, राइट द सिग्निफिकेंस एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट. आंसर, इन प्रेडिक्टिंग ऑफ नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का नेचर प्रेडिक्ट करने के लिए, क्योंकि मॉलिक्यूल का नेचर कैसा होगा, पोलार होगा नॉन पोलार होगा. ठीक है, तो डायपोल मोमेंट अगर आपका स्पेसिफिक डायपोल मोमेंट है किसी भी मॉलिक्यूल का तो पोलार नेचर का होगा, और अगर जीरो है तो वो नॉन पोलार होगा. इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल का शेप डिटरमाइन करने में, इन कैलकुलेटिंग द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर का परसेंटेज निकालने के लिए भी डायपोल मोमेंट चाहिए. ओके, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता बताना है आपको, और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी से ये किस प्रकार से भिन्न है वो बताना है. ओके, सो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट अ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ. क्या कहा जा रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज द एबिलिटी, ये एबिलिटी है एटम की इन अ केमिकल कंपाउंड, किसी भी केमिकल कंपाउंड में, टू अट्रैक्ट अ बॉन्ड पेयर, जिससे वो किसी एक बॉन्ड पेयर को, यानी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ. ओके, और ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से किस प्रकार से भिन्न है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स For an atom which is in a chemical compound is it electronegativity? It's electronegativity. Okay? क्या कहा जा रहा है, ये एक tendency है to attract the shared pair of electrons. यानी कि यानी दो एटम के मध्य में अगर शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, तो जिस एटम के पास ये टेंडेंसी है कि वो उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ को शिफ्ट कर सके, अट्रैक्ट कर सके, उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा. समझ रहे हैं, विच इज इन अ केमिकल कंपाउंड, जो कि एक रासायनिक यौगिक के अंदर ये सब हो रहा होगा. रासायनिक यौगिक किससे मिलकर के बना हुआ, परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है, वो परमाणुओं के बीच में ये टेंडेंसी देखी जा रही है कि किस तरफ को इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं. ओके, वो बॉन्ड पेयर के, जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है,
जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज इट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, आइसोलेटेड गैसियस मीडियम में या उदासीन अवस्था में किसी भी आप दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, ओके यही उसकी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, यानी आप कितने अच्छे से उसको इलेक्ट्रॉन को वहां से ले रहे हैं। जैसे आपने NaCl में बोला कि सोडियम जो कि आपका आइसोलेटेड गैसेस एटम होगा और वहां से फिर आप Na से एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, Cl ले रहा है ना, तो Cl की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अच्छी होगी। ओके, सेकेंड, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट विद विच इट इज बॉन्डेड। ओके, क्या कहा जा रहा है, जिस एटम, ये डिफर करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही है, डिफर कर रही है अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट, तत्व के हिसाब से विद विच इट इज बाउंडेड, जिसके साथ वो क्या है, बंध के रूप में जुड़ा हुआ है। इट डज नॉट वेरी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वेरी नहीं करती अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट, एलिमेंट के अकॉर्डिंग विद विच इट इज बाउंडेड। ओके, क्वेश्चन पॉइंट थर्ड है आपका, इट इज नॉट कॉन्स्टेंट फॉर एनी एलिमेंट, ये स्थिर नहीं रहता किसी तत्व के लिए, वेयर एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज कॉन्स्टेंट फॉर एन एलिमेंट, ठीक है, जबकि इसका मान क्या है, कॉन्स्टेंट है। एंड इट इज नॉट अ मीजरेबल क्वांटिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मीजरेबल क्वांटिटी नहीं है, वेयर एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज अ मीजरेबल क्वांटिटी, इसको आप माप सकते हैं। ओके, तो जल्दी से नोट करेंगे ये डिफरेंसेस, फिर आगे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल पोलार कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, पोलार कोवेलेंट बॉन्ड बताना है। कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता है, सहसंयोजी आवन जिन्हें कहा जाता है, जहां पर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। अब पोलार कैसे है नेचर में, वो उसको एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे HF का एग्जाम्पल दिया गया है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का, व्हेन टू एटम्स विद डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर विल नॉट इन द सेंटर बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जब हम अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पढ़ रहे थे, तो हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में जो एटम बॉन्डेड होता है वहां पर जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जो साझेदारी में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, हम क्या बोलते हैं, वो सेंटर में रहते हैं, ठीक है। लेकिन जहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस आता है, तो शेयर्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन है, यानी साझेदारी वाले जो इलेक्ट्रॉन है, वो बीच में ना रह करके बल्कि एक साइड को शिफ्ट हो जाते हैं। और किसकी साइड को शिफ्ट होते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है। फिर क्या होता है, फिर दोनों एटम्स के ऊपर पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाता है, समझ रहे हैं। जब आपने यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात की, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही है, इस प्रकार से दो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है वहां पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के मध्य। आप क्या कह रहे हैं कि ये जो साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन मैं क्रॉस से दिखा देती हूं, ये बीच में ना होकर के, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है, दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन के नीचे 2.1 लिखा है और फ्लोरीन के नीचे 4.0 लिखा है, तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस आ रहा है, यानी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। तो जो ये शेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन है, कौन कौन से, जो एक मैंने डॉट से दिखाया है रेड, जो हाइड्रोजन का है, और फ्लोराइड का कैसा है, क्रॉस से, जो ब्लैक कलर में क्रॉस दिखाया है उससे, वो शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स फ्लोरीन। और इस वजह से पार्शियल जो चार्ज होगा वो डेवलप हो जाएगा दोनों एटम के मध्य, जिसको आपने डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव करके दिखाया है। तो पोलार कोवेलेंट बॉन्ड आपके कैसे बन रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की,
शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर रहे हैं दोनों एटम आपस में, साझेदारी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की, लेकिन साझेदारी वाली इलेक्ट्रॉन सेंटर में ना होकर के जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है उसकी तरफ को शिफ्ट हो रहे हैं, और उसके कारण दोनों पर चार्ज डेवलप हो रहा है, पार्शियल चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव में। ओके तो यहां पर एग्जाम्पल की बात की गई है, फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल, फ्लोराइड हैज ग्रेटर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है ऐसा हम पढ़ते हैं, देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। इनफैक्ट फ्लोरीन क्या होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव निगेटिव एलिमेंट है आपका पूरा पीरियडिक टेबल का। दस दस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज डिस्प्लेस्ड मोर टुवर्ड्स फ्लोरीन एटम, इसकी वजह से ये क्या हो रहे हैं, ये जो आपका शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ये शिफ्ट हो रहे हैं फ्लोरीन की तरफ को, इधर को शिफ्ट हो गए, ठीक है ना। द लेटर विल अक्वायर अ पार्शियल निगेटिव चार्ज एट द सेम टाइम हाइड्रोजन एटम विल हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेल्टा पॉजिटिव। ओके इस प्रकार से हाइड्रोजन पर आपका डेल्टा पॉजिटिव आ गया है जबकि फ्लोरीन पर आपका क्या आ गया है, डेल्टा निगेटिव चार्ज आ गया है। इसी वजह से क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है। सच अ कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज पोलार कोवेलेंट बॉन्ड और सिंपली पोलार बॉन्ड्स। ओके इस प्रकार के बंधों को क्या कहा जाता है, पोलार कोवेलेंट बॉन्ड्स कहा जाता है, यानी कि जिनको आप सिंपली पोलार बॉन्ड्स भी कह रहे हो क्योंकि वहां पर पोल्स बन रहे हैं, ध्रुव बन रहे हैं आपके। ओके चलिए जल्दी नोट करेंगे। तो इस प्रकार से आप हाइड्रोजन और फ्लोरीन के मध्य बॉन्डिंग दिखा देंगे, ये कौन से प्रकार की बॉन्डिंग है, पोलार कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है। ओके तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने फिर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की है, यहाँ पर बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और अगर आपका कोई डाउट होगा इन क्वेश्चंस में या कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।